हाय, मैं हूं मनोज। सब्सक्राइब कीजिए फिटे गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर हम रात को सोने से पहले दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ये दूध हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है। अगर इस दूध में कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाए तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके मात्र 5 दाने आपको इस्तेमाल कर दें और आपके दूध की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे में अगर रात को सोने से पहले इस दूध को इस्तेमाल करते हो तो जो आपकी बॉडी की जो फिजिकली और मेंटली जो कंडीशंस है उसमें आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो चीज़ है जिसको आपको मात्र 5 दाने इस्तेमाल करने हैं और इसके हमारे शरीर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, साथ ही इस चीज़ का इस्तेमाल करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा, तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ है। उस चीज़ का नाम है कलौंजी। ये कलौंजी के सिर्फ मात्र 5 दाने आपको इस्तेमाल करने हैं अपने दूध में, रात को सोने से पहले इसका इंटेक करना है। अगर आप रात को सोने से पहले इस दूध को पियेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपके शरीर में होंगे। जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि आपकी जो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव होगी। अगर आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है या उसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो उन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए कलौंजी वाला दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप डेली इस कलौंजी वाले दूध का इंटेक करते हो तो जो हमारा वजन है वो काफ़ी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इससे हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, जिससे हमारा वजन भी कंट्रोल में रहेगा। सेकंड है, हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी हेल्दी है और हमारे बालों के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है। अगर हम रात को डेली सोने से पहले से कलौंजी वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे स्किन और बाल काफ़ी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा अवेलेबल होती है और जिंक की वजह से हमारी स्किन को काफ़ी फ़ायदे होंगे और बाल को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। जो तीसरा है वो हमारा जो स्टेमिना है वो भी इससे इम्प्रूव होता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में कमजोरी आ चुकी है, इस कमजोरी को दूर करने के लिए ये जो कलौंजी वाला दूध है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जो इसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है, काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। इसलिए अपने स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए भी आप कलौंजी वाले दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम डेली इसे कलौंजी वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे शरीर को एक और फ़ायदा होगा, ये वो है कि जो हमारे खून में जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा, जिससे हमें डायबिटीज़ की परेशानी नहीं होगी। इस डायबिटीज़ की परेशानी से बचने के लिए भी हम कलौंजी वाले दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को एक परेशानी देखी गई है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती, तो एक प्रॉपर नींद लेने के लिए भी कलौंजी वाला दूध काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है उससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और एक हमें अच्छी नींद हम इंटेक करते हैं, अच्छी नींद ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो थकान है वो दूर हो जाती है और हमें अच्छे से नींद आती है। तो अपनी नींद को प्रॉपर लेने के लिए भी कलौंजी वाला दूध रात को सोने से पहले इंटेक करें, उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब बात करते हैं इसके जो सावधानियां हैं, इसके इस्तेमाल करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको इस कलौंजी को डालते वक्त ये देख लेना है कि ये हमारा दूध हाई फैट मिल्क वाला तो नहीं है, इसमें हाई फैट तो नहीं है। अगर आपका दूध हाई फैट वाला होगा तो इससे आपका वज़न इंक्रीज़ होने लगेगा, जिससे आपकी मोटापे की समस्या आपके सामने आने लगेगी। अगर आप वज़न इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो बेशक आप इस दूध को इस्तेमाल कर सकते हो हाई फैट वाले को, लेकिन अगर आप अपना वज़न कंट्रोल में करके रखना चाहते हो तो हमेशा लो फैट वाला मिल्क ही इस्तेमाल करें और उसमें कलौंजी का इस्तेमाल करें। जो सेकेंड चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस कलौंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके सिर्फ मात्र 5 से 7 दाने ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, इससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। सिर्फ 5 से या 7 दाने ही मैक्सिमम आपको इस्तेमाल करने हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें और डेली इस कलौंजी वाले दूध को रात को सोने से पहले इनटेक करें। इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको जल्द ही सामने आने लगेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले।
और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, सेम अकाउंट है फिटे गुरु जी के नाम से। आप हमसे वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आपके वहाँ आंसर देंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।